गंदी स्टोरीज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ काले चने का स्टफ्ड पराठा, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। काला चना है तो प्रोटीन रिच भी हुआ। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। कि मैंने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। ये करीब 150 से 200 ग्राम चने, काले चने हैं, जिनको मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा था। और ये 1 ग्लास पानी है जिसको हम चने को उबालने में यूज़ करेंगे। ये कुछ ऑयल ले लिया है, कुकिंग ऑयल है। और ये 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करके इसका प्यूरी बना लिया है। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी इसकी प्यूरी बना सकते हैं। और ये 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। और ये कुछ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हैं। और ये 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है। और ये 1 हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। मसाले में देख लेते हैं, ये 1 टेबल स्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून अजवाइन है, ये 2 टीस्पून नमक है, और ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर है, ये ऑप्शनल है। इन पराठों को और प्रोटीन रिच और टेस्टी बनाने के लिए मैं आपको इन पराठों को 2 तरीके से भरना बताऊंगी। उसके लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। पहले जो काले चने हमने रात भर भिगो के रखे हुए थे, इनको हम पहले उबाल लेंगे। तो उसके लिए एक कुकर ले लीजिए, इसमें हम चने डाल देंगे। 1/2 ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए। 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। कुकर को लिड से बंद कर दीजिए और इसको फ्लेम को ऑन कर देंगे। और फ्लेम को हाई रखिए सीटी आने तक। और जब 1 सीटी आ जाए तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 5 से 6 सीटी आने तक चनों को पकाएंगे। चनों को हमने 6 सीटी आने तक उबाल लिया है और कुकर का एयर प्रेशर भी निकल गया है। अब हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। ये देखिए चने हमारे अच्छे से उबल गए हैं। अब हम इनको रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देंगे। ये देखिए सभी चनों को हमने एक बाउल में निकाल लिया है जिससे कि ये जल्दी ठंडे हो जाएं। अब ये जो बचा हुआ पानी है इसको हमको फेंकना नहीं है, इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे जिससे कि ये पानी भी जल्दी ठंडा हो जाए। और इस पानी को हम डो लगाने में यूज़ करेंगे। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो एक कढ़ाई ले लीजिए, फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई रखिए जिससे कि कढ़ाई हमारी जल्दी गर्म हो जाए। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को भी मीडियम गर्म होने दीजिए। तेल हमारा मीडियम गर्म हो गया है, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। इसमें हम ये जीरा डाल देंगे और जो मैंने अदरक और लहसुन की कलियां ली थी इसको मैंने कूट लिया है। आप चाहे तो ग्रेट कर लीजिए, नहीं तो बारीक काट लीजिए। ये डाल देंगे, थोड़ा सा भून लीजिए। लहसुन इसमें ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो नहीं डालें। लहसुन अदरक भून गया है हमारा। अब इसमें हम ये बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हमको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस स्लाइटली थोड़ा सा भूनना है। अब प्याज हमारा भून गया है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, 1 टीस्पून नमक डाल दीजिए। अब इसको चला देंगे। अब इन मसालों को हम 30 सेकेंड तक भुजने देंगे। अब ये जो उबले हुए चने हैं इनको हम मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। एकदम बारीक ग्राइंड नहीं करना है, इनको हमको दरदरा पीसना है। उबले हुए चनों को हमने पीस लिया है, ये देखिए इस तरह से दरदरे होने चाहिए। अगर 1-2 चने के पीस रह भी जाते हैं तो आप उनको हाथ से दबा लीजिए। अब इनको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इन उबले हुए चने जो हमने पीस लिए थे इनको हम कढ़ाई में डाल देंगे। मिक्स कर दीजिए। अब इसमें हम ये अमचूर पाउडर जो लिया था वो डाल देंगे।
और ये टमाटर की जो प्यूरी बनाई थी वो डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम 30 सेकंड के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, लो फ्लेम पर ही पकाइए। 30 सेकंड हो चुके हैं, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ये स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कि स्टफिंग हमारी जल्दी ठंडी हो जाए। इस तरह से फैला दीजिए। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। एक बाउल में ये आटा डाल लीजिए, ये 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे, ये अजवाइन को हम इस तरह से गद्दी पर थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे। अब ये देखिए, जो हमने चने उबाले थे उसका जो पानी बचा हुआ था उसी पानी से हम ये डो लगाएंगे, और पानी को थोड़ा थोड़ा डालिए। पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर हम एक सॉफ्ट डो लगाएंगे, जैसा कि हम आलू के पराठे के लिए लगाते हैं। ये देखिए, हमने एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया है इसका। अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ा सा डो ले लेंगे, पराठे को आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इनको हम भरना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने डस्टिंग के लिए थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है, गेहूं का आटा है ये। इस तरह से हम इसमें कटोरी जैसा इसका शेप बना लेंगे। अब स्टफिंग को भरेंगे। स्टफिंग को भरने से पहले आप थोड़ा सा इसको टेस्ट कर लीजिए, अगर नमक आपको कम लगता है तो आप अपने हिसाब से नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। अब स्टफिंग को हम 1 टेबल स्पून स्टफिंग लेंगे और इस तरह से आटे के अंदर इसको पैक कर दीजिए, तरह से रोल करके दबाकर इसका हम रोटी जैसा बेलेंगे। सॉफ्ट हाथ से बेलना है, ज़्यादा टाइट हाथ से मत बेलिए, नहीं तो स्टफिंग आपकी बाहर निकल आएगी। अब इसको हम सेकेंगे। तो ये मैंने एक तवा ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर देंगे, तवे को मीडियम गर्म करेंगे। तवा मीडियम गर्म हो जाए उसके बाद हम इस पराठे को तवे पर डाल देंगे और एक साइड से थोड़ा सेकने देंगे इसको। पराठे को हम पलट देंगे। ये देखिए, एक तरह से तरफ से हमारा थोड़ा सा सेक गया है। अब इसमें हम ये ऑयल लगा देंगे। अब इसको पलट दीजिए, दूसरी साइड से भी हमारा थोड़ा सा सिक गया है, ये इस साइड भी ऑयल लगा देंगे। तो पराठे को हम दोनों साइड से गोल्डन स्पॉट आने तक सेक लेंगे। अब पराठे को हम पलट कर देख लेंगे। ये देखिए, एक साइड से हमारा अच्छे से सिक गया है, इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी इस पराठे को सेक लेंगे। अब दूसरी साइड से हम चेक कर लेते हैं, दूसरी साइड से भी ये देखिए हमारा पराठा अच्छे से सिक गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में बताया था, और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये पीनट बटर। पीनट बटर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको बड़ी आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है। तो आइए देखते हैं कि अब इसका यूज़ मैं कैसे करती हूँ पराठा बनाने में। हम कुछ डो ले लेंगे और इस तरह से उसको हम गोल गोल कर लेंगे, थोड़ा डस्टिंग कर लेंगे। इसे कीजिए, थोड़ा सा और डस्टिंग कर लेंगे। अब इसको हम बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है इसको। अब इस पीनट बटर को हम पहले यहाँ स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए।
आप पीनट बटर की क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इस पर हम स्टफिंग डालेंगे, 1 टेबल स्पून स्टफिंग डालेंगे। इसको बंद कर देंगे चारों तरफ से। अब इसको हम बेल लेंगे। सेम हल्के हाथ से ही बेलना है इसको, जिससे कि स्टफिंग बाहर ना आए। अब इस पराठे को हम सेकेंगे, इसको तवे पे डाल दीजिए और इसको भी हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। हम पराठे को पलट देंगे। ये देखिए थोड़ा सा सेक गया एक साइड से। अब इस पे हम ऑयल लगा देंगे। अच्छे से सब जगह ऑयल लगा दीजिए। अब इसको हम पलट देंगे। दूसरी साइड से भी थोड़ा सा सेक गया है, उधर भी हम ऑयल लगा देंगे दूसरी साइड भी अच्छे से, और दोनों साइड से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अब पराठे को हम पलट देंगे। ये देखिए एक साइड से हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक गया है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम सेक लेंगे। अब पराठे को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए दूसरी साइड से भी हमारा अच्छे से सेक गया है। अब पराठे को हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से बाकी के पराठे भी हम बना लेंगे। काले चने का स्टफ्ड पराठा बनकर तैयार है। इस पराठे को आप हरी चटनी के साथ, टमाटर की चटनी, सॉस या बीगन दही के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आपने देखा कि मैंने पीनट बटर भी मिला के पराठे को बनाया था। पीनट बटर के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है, तो आप जरूर एक बार इसको बनाकर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज बेजन वीगन स्टोरी पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज बेजन वीगन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।